हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहां पे हम एंटी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल 15 मिनट में अभी 200 मूविंग एवरेज का ऊपर चला गया, तो मार्केट अभी 200 का आसपास ही घूम रहा है। जैसे आप देख सकते हैं पहले 200 ब्रेक किया, फिर से ऊपर क्रॉस किया, फिर से अभी मुझे लगता है 200 क्रॉस करके वो फर्स्ट टारगेट हमें मिला हुआ है अराउंड 4170 का आसपास और नेक्स्ट 4200 का आसपास। तो अगर यहाँ पे आपको पोजीशन लिया हुआ है ऑलरेडी तो यहाँ पे आप निकल सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट यहाँ 4200 पे निकल सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं मार्केट थोड़ा बहुत 200 का क्रॉस किया तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, जो मूविंग एवरेज यहाँ पे एक सपोर्टिंग बन सकता है। अगर यहाँ पे एक सपोर्ट मिला तो एंटी कर सकता है, यहाँ पे निकल सकता है राइट, और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 4200 के आसपास सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया प्रीवियस हायर पर जहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन निकाल दिया मैंने। तो रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आपको मार्केट से निकल जाना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट 4200 के आसपास दिखा रहा है 4 आवर चार्ट में। फिर भी मतलब 4200 जो प्राइस है वहां तक पहुंचने से तो मार्केट क्या होता है थोड़ा बहुत रिट्रेस करके जा सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे आप अगर निकल सकता है मार्केट और फिर जो रिट्रेसमेंट होता है यहाँ पे एंटी कर सकता है राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।